हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन वर्चुज़ एंड ह्यूमन वाइसेस। वर्चुज़ होते हैं गुण और वाइसेस होते हैं अवगुण। हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। तो गुणों के आधार पर ही हम उसको कहते हैं वो समझदार है, वो बुरा है, वो निर्दयी है। तो ये सारे क्या होते हैं, वर्चुज़ और वाइसेस होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले ह्यूमन वर्च्यूज़ की, यानी कि मानवीय गुण। ह्यूमन वर्च्यूज़ में देखिए, यह फर्स्ट है हमारा जनरस। जनरस क्या होता है, उदार। उदार होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा दिलेर है वो, दूसरों के लिए कैसा है, उदार है, किसी के लिए कुछ भी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। तो उदार हृदय वाला जो होता है उसको हम कहते हैं जनरस है। सेकेंड, हैप्पी, जो हमेशा खुश रहता है। थर्ड है हमारा काइंड। काइंड होता है दयालु, यानी हर एक के लिए उसके मन में क्या है, दया का भाव है, तो वो क्या है, काइंड। फोर्थ है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल होता है खुश मिजाज। मिजाज होता है टेम्पर। अब देखो, जैसे कहते हैं कि वो जो है उसका कूल है काफ़ी, उसका टेम्पर काफ़ी कूल रहता है, वो हमेशा शांत रहता है, सबसे खुश रह के बात करता है, तो उसको हम कहते हैं चीयरफुल, यानी कि खुश मिजाज। फिफ्थ है हमारा वाइस। वाइस होता है बुद्धिमान। सिक्स्थ है हमारा कंसीडरेट। कंसीडरेट होता है समझदार, हर बात में जो क्या करता है, समझदारी दिखाता है, समझदार कहते हैं हम उसे। सेवन्थ होता है मोडेस्ट। मोडेस्ट यानी कि विनम्र। विनम्र होता है जैसे नम्रता से बात करने वाला, हर एक के साथ बड़ी पोलाइटली बात करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोडेस्ट यानी कि विनम्र। एट्थ है हमारा सीरियस, गंभीर, यानी कि बिल्कुल शांत रहता है, बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है, तो हम कहते हैं कि इज ए सीरियस पर्सन, यानी कि वो क्या रहता है, गंभीर रहता है। नाइन्थ है हमारा फेथफुल, वफादार, यानी कि एक बार जिसको कुछ कह दिया उस बात पे क्या रहना, अड़े रहना, कि किसी का साथ निभाना है तो निभाना है, तो हम वो क्या कहते हैं, वो बड़ा फेथफुल है, यानी कि वफादार है। नेक्स्ट है हमारा टेंथ ब्रेव। ब्रेव होता है वीर, यानी कि हिम्मत वाला इंसान है। इलेवेंथ है ओबीडियंट, आज्ञाकारी, यानी कि हर एक की, बड़ों की आज्ञा को, बात को मान लेता है, उसको कहते हैं आज्ञाकारी। ट्वेल्थ है ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत या सुंदर। 13 है ट्रूथफुल, सच्चा, यानी कि उसको झूठ नहीं बोलना, जो बात भी करता है ट्रूथफुली करता है, सच्चाई से करता है, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे, वो बहुत ट्रूथफुल है। 14 है हेल्पफुल, मददगार, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला। अब किसी की पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, भाई वो तो बहुत हेल्पफुल पर्सन है, यानी कि वो सबका मददगार है। 15 होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, यानी कि जो कभी होप नहीं खो देता, अपनी आशा नहीं तोड़ता, कि निराशा में नहीं रहता, आशावादी है, हमेशा आशा रखता कि नहीं जो भी होगा मेरे साथ वो अच्छा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। 16 है हमारे रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल होते सम्माननीय, जिसका हर कोई सम्मान करता है या आदरणीय है, उसको आदर दिया जाता है, तो ही इज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, यानी कि सम्माननीय व्यक्ति है। 17 है ब्रिस्क। ब्रिस्क होता है फुर्तीला, यानी कि हमेशा एक्टिव रहने वाला, उसको कोई भी कार्य कर दो वो फटाफट कर देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिस्क है ये, यानी कि बहुत फुर्तीला है। 18 है फ्रेंडली, मिलनसार, कहते हैं कि नेचर है यार, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली है, बहुत मिलनसार है, वो सबसे एकदम घुल मिल जाता है। 19 है हमारा केयरफुल, सावधान। अब वो केयरफुल रहता है, यानी अपनी चीज़ें भूलता नहीं है, केयरलेस नहीं होता, लापरवाह नहीं रहता, केयरफुल रहता है, सावधान रहता है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखता है, चीज़ों को भी और आसपास रहने वाले व्यक्तियों के प्रति भी क्या रहता है, केयरफुल रहता है, उनकी सावधान रहता है। 20th है हमारा टैलेंटेड, योग्य, यानी कि जो भी कार्य उसने करना है वो बड़ी योग्यता से करना है, तो हम कहते हैं भाई बड़ा टैलेंटेड पर्सन है, कि जो भी कार्य तो बहुत अच्छे ढंग से करता है। एफिशिएंट होता है सक्षम। सक्षम का मतलब होता है कोई कार्य करने की योग्य है, सक्षम है, उसके पास वो ये कर सकता है, सक्षम है। अब किसी के पास बहुत सारी मनी है तो हम कहते हैं हाँ वो दूसरों को दान कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, एफिशिएंट है, सक्षम है इस कार्य में। 22 है हमारा डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, यानी कि डिसिप्लिन्ड वो होता है स्वयं को अनुशासन में रखना, समय पर पहुंचना है उसने, समय पर घर आना है, समय पर अपने कार्य करने हैं, तो हम कहते हैं कि ही इज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन।
23 है मेरा ग्रेसफुल, ग्रेसफुल होता है शानदार, बहुत अपने पहनने में, खाने में, हर तरीके उससे हर काम अपनी क्या करना है पूरी शान से करना है, तो हम क्या कहते हैं ग्रेसफुल पर्सन है। 24 होता है सिविलाइज्ड, सभ्य, समाज में बोलना चलना आता है जिसको, बड़ों के प्रति कैसे बोलना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ जानता है, तो हम कहते हैं कि वो पर्सन बहुत सिविलाइज्ड है, यानी कि सभ्य है। 25 होते हैं जोवियल, हंसमुख, छोटे छोटे मजाक करते रहना जो सबको खुश रखते हैं, तो हम कहते हैं कि यह है जोवियल पर्सन है। 26 है कल्चर्ड, शिष्ट, कल्चर्ड वो होता है जो अपने संस्कारों का ध्यान रखता है, तो शिष्ट की जगह हम संस्कारी भी कह सकते हैं कि वो एक संस्कारी व्यक्ति है, कि वो हमेशा क्या होता है अपने संस्कारों को प्रेफरेंस देता है, संस्कारों से ही चलता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन वॉइसेस की, कि ह्यूमन अवगुण कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट है डिसऑनेस्ट, बेईमान, बेईमान मतलब बेईमान, उसका कोई ईमान नहीं है, ये वो कब झूठ बोल दे कब गलत कर दे, बेईमान है, कब वो दूसरों की चीज़ छुपा ले। नेक्स्ट है हमारा लायर, लायर होता है झूठा, हमेशा झूठ बोलने वाला जो इंसान है उसको लायर कहते हैं। थर्ड सैड, दुखी रहने वाला, दूसरों को दुखी दिखाने वाला। फोर्थ है हेटफुल, घृणित, जिससे सब घृणा करते हैं, यानी कि कोई नहीं चाहता कि वो आपके पास बैठे, तो हम कहते हैं कि ऐसा पर्सन है ये हेटफुल पर्सन है। फिफ्थ है अगली, बदशक्ल, यानी कि कपड़े पहनने का ढंग नहीं, नहाना धोना नहीं समय पर, कैसा बन के रहता है वो, अगली बन के रहता है, बदशक्ल। सिक्स तो होता है बोस्टफुल, शेखी खोर, शेखी बाज, या फिर क्या होता है डींगे हाँकने वाला, तो कहते हैं यार वो बहुत बोस्टफुल पर्सन है, मतलब उसको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ डींगे हाँकनी है उसको, वो कभी भी हाँकेगा। सेवन्थ है हेल्पलेस, असहाय, यानी कि हमेशा ऐसे शो करना है कि मैं किसी भी कार्य में सक्षम नहीं हूँ, हेल्पलेस शो करने वाला, कि असहाय है, उसकी कोई सहायक नहीं है, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। एट्थ है डिसरिस्पेक्टफुल, अशिष्ट, या फिर यहाँ हम कहेंगे क्या हो जाता है, रिस्पेक्टफुल क्या था, आदरणीय, और डिसरिस्पेक्टफुल को क्या करेंगे, जिसका आदर नहीं होता या अशिष्ट, तो उस क्या होगा, जिसका आदर ना हो समाज में उसको कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। 9 है हमारा सेंसलेस, मूर्ख, यानी कि उसको जो है अपने ही पागलपन में रहना है। 10th है हमारा इम्पोलाइट, इम्पोलाइट भी हमारा अशिष्ट होता है, यानी कि विनम्र न होना, इम्पोलाइट का मतलब पोलाइट ना होना, तो उसमें क्या होता है किसी से भी वो विनम्रता से बात नहीं करता, ही इज एन इम्पोलाइट पर्सन, यानी कि अशिष्ट व्यक्ति है। 11 है अनेबल, अक्षम, तो ये जो है सक्षम होता है जो कोई कार्य करने के योग्य हो, अक्षम होता है करने योग्य ना हो। 12th है हमारा अनजनरस, निर्दयी, कहते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं वो पत्थर दिल होते हैं, किसी के प्रति उनमें दया भाव होता ही नहीं है, तो हम उनको कहते हैं कि अनजनरस पर्सन, यानी निर्दयी है ये। 13th होता है कवर्ड, कवर्ड होता है कायर, यानी अब ब्रेव क्या होता है, वीर, यानी कि जो हिम्मत वाला है, लेकिन कवर्ड क्या होता है, कायर, जिसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। 14 होता है ग्लूमी, ग्लूमी भी क्या होता है, दुखी, हमेशा मुंह लटकाए रहना। 15 है हमारा पैसिमिस्ट, निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट, अब ये हर बात को नेगेटिव ही करेगा कि ये हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है, तो हम कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल ही पैसिमिस्ट है, यानी कि हमेशा ये तो निराशा की ही बात करेगा। 16 हम कहते हैं इगोइस्ट पर्सन है, यानी कि अहंकारी है, घमंड भरा पड़ा है इसने, इससे तो हम बात ही नहीं कर सकते, ये क्या है, बहुत घमंडी है। 17 होता है रूड, अभद्र, यानी जिसको किसी की भी इज्जत करनी नहीं आती, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देगा तो हम कहते हैं रूड पर्सन है, यानी कि अभद्र है। 18 होता है मूडी, बदमिजाज, अब इसका जो है मिजाज कैसा है, बद है, यानी कि उसका कुछ पता नहीं है उसके मिजाज का, किसी को वो कब क्या बोल दे उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, ही इज ए मूडी पर्सन, बदमिजाज आदमी है वो। 19th होते लेजी, आलसी, कोई भी काम करो तो अभी मैं नहीं करूंगा, तो उसको हम कहते हैं कि बहुत लेजी है, बहुत ज्यादा आलसी है। 20th बात करते इनएक्टिव, इनएक्टिव की हिंदी है निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब ये किसका उल्टा है हमारा, ये ब्रिस्क का उल्टा है, जैसे कि वहां पे है फुर्तीला, फुर्तीला जो हर काम के लिए तैयार खड़ा है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, ये निष्क्रिय है, ये जो भी काम कहोगे कहेगा थोड़ी देर में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा, तो हम इसको कहते हैं बहुत इनएक्टिव है।
21 है हमारा श्रिंकर, श्रिंकर होता है कामचोर। अब भाई इसने तो काम बिल्कुल छुपा ही लेना है, इसने तो बताना ही नहीं है कि मेरा कोई काम था भी या नहीं। 22 है हमारा अनकाइंड, अनकाइंड होता है निर्दयी। अब निर और दयी यानी कि दया तो है ही नहीं, हर एक के लिए कैसा है वही पत्थर दिल रहना है, निर्दयी रहना है। 23 है हमारा डिसओबीडियंट, आज्ञा न मानने वाला। अब किसी की भी बात नहीं मानता जिसको, वो कहते कि ये तो बिल्कुल डिसोबीडियंट है, किसी की भी बात आज्ञा नहीं मानता। 24 है माइजर, माइजर होता है कंजूस। कंजूस यानी कि बिल्कुल एक पैसा भी खर्च नहीं करना, जो कुछ इनको चाहिए वो बाहर से मिल जाए तो ये खुश रहते हैं, तो कहते हैं यार बहुत माइजर पर्सन है, बहुत कंजूस है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।